मैं रश्मि यादव अस्मिति एकेडमी के द्वारा आयोजित आर्ट पार्टी में आपका स्वागत करती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आप नए साल में कुछ नया तो करना चाहते होगे ना? चलो आज हम कुछ नया करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जुड़ेंगे भूमि के साथ, जो हमारे लिए माँ सरस्वती की वंदना करेंगी। भूमि, ओवर टू यू बेटा। नमस्ते एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम आर्ट पार्टी शुरू करते हैं सरस्वती वंदना से। सब लोग अपने हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे और सब लोग मेरे साथ सरस्वती का वंदना बोलेंगे। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, चक्र और वाण धारण करती हैं, कुंद के समान जिनकी मनोहर कांति है, वारी बीच उनका स्वरूप है, तथा जो सच्चिदानंद विग्रह से संपन्न है, उन भगवती माँ सरस्वती का मैं ध्यान करती हूँ। थैंक यू भूवी, थैंक यू सो मच। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम नए साल की शुरुआत कुछ नए से करेंगे, तो चलो हम ना अर्चना मैम के साथ जुड़ के पेपर बैग बनाना सीखते हैं। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। तो अगर हम पेपर बैग बनाना सीख जाएंगे तो हम पॉलोथिन का यूज नहीं करेंगे, सारे बच्चे बनाएंगे अपने मम्मा के लिए, पापा के लिए। हम मार्केट से तो सारी चीजें खरीद के लेके ही आते हैं, आप भी जाते होंगे। तो चलिए मैम के साथ जुड़ते हैं और सीखते हैं पेपर बैग बनाना। मैम, ओवर टू यू। हेलो एवरीवन, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज आ रही है ना मेरी रश्मि जी? आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग आज पहले हेलो, हाँ जी मैम, हम लोग सबसे पहले आज पहले न्यूज़पेपर से एक बैग बनाते हैं, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम लोग बैग चेंज करते जाएंगे। मैंने सबसे पहले एक न्यूज़पेपर लिया हुआ है। आप लोग ले रहे हैं क्या बच्चे साथ में कोई मेरे न्यूज़पेपर? ठीक है ना। अब इसको मुझे क्या करना है, फोल्ड करना है। कहाँ तक? यहाँ से करीब एक इंच हम खाली छोड़ देंगे, ये इतना फोल्ड करना है। दिख रहा है ना? क्लियर शायद ना? इतना हम फोल्ड करेंगे इसको। ये इतना, और ये जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, स्टिक कर देंगे। हम लोग फेविकॉल से स्टिक कर सकते हैं, ग्लू से स्टिक कर सकते हैं। यहां मैं ग्लू से स्टिक कर रही हूं। ये इस तरह से मैंने स्टिक कर दिया इसको। ठीक है, आप कर रहे हैं बेटा साथ में? करीब एक इंच हमने इधर एक्स्ट्रा छोड़ा था, फोल्ड करके इसको हमने स्टिक कर दिया है। डबल पेपर लिया था मैंने, जिससे उसका थोड़ा थिक रहेगा तो पेपर। इसके बाद क्या करेंगे, लगभग 3 इंच, यहां से 3 इंच हमको फोल्ड करना है। यहां से लेके यहां तक 3 इंच हम लोग इस तरह से, ये 3 इंच फोल्ड करा। ठीक है, इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से खोलेंगे। जो हमने 3 इंच फोल्ड करा था उसको इस तरह से खोलेंगे। ये देखिए, 3 इंच जो लिया था इसको इस तरह से खोलकर हमको ऐसे दबाना है इसे। ये इस तरह से, ये दोनों साइड से हम दबा देंगे। यहां से दबाने के बाद फर्स्ट वाले फोल्ड को करीब 2 इंच इधर फोल्ड करा, सेकंड वाले को भी ये हमने 2 इंच फोल्ड करा। ये देखिए, फर्स्ट हमने क्या करा, 3 इंच ऐसे लिया, उसके बाद इस तरह से फोल्ड। हां जी
एक बार ये वाला पार्ट दोबारा बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया। स्टार्टिंग से बताओ बेटा, ये देखिए नहीं, ये पेपर है हमारा, इस तरह से फोल्ड रहता है ना पेपर। हाँ तो कम लेंगे हम, करीब 1 इंच हम लोग इधर इतना छोड़ देंगे खाली, ठीक है ना। इसको प्रेस करा अच्छे से हमने, और जो खाली छोड़ा था उसको, जैसे ये जो हमने खाली छोड़ा हुआ है ना, इसको ऐसे प्रेस कर देना है इधर, और स्टिक कर देना है इस पर। ये देखिए ये ऐसे स्टिक कर देंगे, ठीक है ना। ये इतना हुआ। अब ये जो हमने फोल्ड करा था, इसको ग्लू से सिर्फ यहां से यहां तक हमको स्टिक करना रहेगा। ये इस तरह से हमने स्टिक कर दिया। अब जहां ये ट्रायंगल बन रहा है, ये देखिए ये ट्रायंगल बन रहा है ना एक, उसको हम इधर फोल्ड करेंगे प्रॉपर शेप देने के लिए, दोनों साइड फोल्ड कर देंगे वापस से। इधर अपोजिट साइड भी एक बार फोल्ड कर देंगे, और एक बार हम सेंटर से इसको फोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो फोल्ड करा है हमने, इससे शेप आएगा उसका बैक का प्रॉपर, जब हम इसको खोलेंगे। ये हमारा एक प्रॉपर बैग रेडी हो गया है। इसको अब हम हैंडल्स लगा सकते हैं। हैंडल्स के लिए हम लोगों के पास कुछ भी लेस रिबिन कुछ भी होगी घर में, वो हम यूज कर सकते हैं। सेंटर से करीब 1 इंच इधर और एक, मीन्स दोनों साइड 1-1 इंच लेना है। ये सेंटर है, सेंटर से 1 इंच इधर और 1 इंच इधर लेकर हमने हैंडल्स लगाने हैं। ये इस तरह से हम हैंडल लगा देंगे दोनों साइड। ये देखिए ये हम लोगों का एक पेपर बैग रेडी हो गया है ना। अब इसी पेपर बैग को हम साड़ी से बनाते हैं। हम लोग क्या करेंगे, घर पे कोई भी ये मैंने एक ब्राउन चार्ट पेपर लिया है, ब्राउन पेपर मिल जाता है इजीली मार्केट में। जितना बड़ा हमें चाहिए बैग बनाना है उतना बड़ा हम एक ब्राउन पेपर ले लेंगे। तो इसकी एक शीट आती है, मैंने शीट का हाफ लिया हुआ है, कंप्लीट शीट आती है करीब 1 मीटर की, उसका हाफ लिया हुआ है। साथ में मैंने क्या करा है, एक वेस्ट मटेरियल लिया हुआ है। घर में कोई भी हम लोगों के पास साड़ी का या दुपट्टे का मटेरियल रहता है वेस्ट, वो लिया हुआ है। अब हम इसको पूरे पेपर पर स्टिक कर देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है अंदर की साइड फोल्ड करने के लिए, ये देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया हुआ है मैंने, है ना। इसको हम चारों तरफ से पहले फोल्ड कर देंगे। ये हम लोगों को फेविकॉल से करना है, यहाँ पर हमको ग्लू यूज नहीं करना है, ग्लू गन यूज नहीं करना है, हम लोगों को फेविकॉल यूज करना है। चारों तरफ कॉर्नर पे हम फेविकॉल लगाएंगे। और ये जो साड़ी का मटेरियल है इसको हम इस पर फोल्ड कर देंगे।
साथ ही हम लोग प्रेस लेंगे आयरन और इसको हाथ के हाथ प्रेस कर देंगे तो सूख जाएगा उसी टाइम और फिनिशिंग भी आएगी हम लोगों के बैग बनाने में। इसमें बच्चे लोग आप लोग मम्मा की हेल्प ले सकते हैं ना, थोड़ा सा प्रेस करने में आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी तो थोड़ी सी इसमें मम्मी की हेल्प लीजिएगा। ये मटेरियल को हमको चारों तरफ से स्टिक करना है प्रॉपरली, कहीं पर भी सल नहीं आने चाहिए। स्टार्टिंग में जब आप करेंगे तो कुछ भी कॉटन मटेरियल लीजिएगा, थोड़ा सा सफाई अच्छी आएगी। प्रैक्टिस होने के बाद आप फिर कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। अगर कोई लोग शायद के साथ बना जी, अगर कोई मैम के साथ बना रहा है तो बेटा अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। भूवी यस मैम, पूरा मटेरियल इस पे पेपर पे स्टिक हो चुका है, है ना? पूरा मटेरियल मैंने पेपर पे स्टिक कर दिया है कंट्रोल से। अब हमने जिस तरह से अभी पेपर स्टिक करा था उसी तरह से हाफ से थोड़ा सा कम लेकर, ये देखिए हाफ से कम लेकर हमको स्टिक कर देना है। इधर से भी फोल्ड करा और हम यहाँ फेविकॉल से इसको स्टिक कर देंगे। फेविकॉल थोड़ा सा ज्यादा लगाइएगा क्योंकि कितनी बार वजन रखने के बाद फेविकॉल खुल जाता है, तो फेविकॉल अच्छे से लगाइएगा। अच्छे कॉर्नर से पूरा पे फेविकॉल लगा देंगे हम। इस तरह से हमने स्टिक कर दिया। अब ये बैग हम लोगों का थोड़ा सा पहले पेपर बैग से बड़ा है तो नीचे से हमको 3 की बजाय 5 इंच फोल्ड करना है, है ना? जो साइज होगा बैग का उस हिसाब से हम फोल्ड कर देते हैं इसको। ये नीचे से करीब हमने 5 इंच इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको बीच में से खोलना है। ये देखिए जो हमने फोल्ड करा है उसका बीच में से खोलकर इसको इस तरह का शेप दे देना है। दिख रहा है आपको शेप? दिख रहा है बेटा शेप आप लोगों को? इस तरह से फोल्ड कर फिर वापस से वही हमको नीचे से फोल्ड करके इसको स्टिक कर देना है। ऐसा हमने फोल्ड करा, ये जो लाइन है इससे थोड़ा सा ऊपर कपड़ा आना चाहिए हमारा। इधर से फोल्ड करा और ये इधर से फोल्ड करा तो हम साथ के साथ स्टिक करते जाएंगे।
दो मिनट प्रेस रख देंगे तो वो सूख जाएगा फेविकॉल। अर्चना मैम जी, किसी का क्वेश्चन है कि ग्लू गन यूज क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली ये मटेरियल पे हम लोगों को, देखिए जब हम ये लोग लगा रहे हैं ना, डायरेक्ट ग्लू लगाएंगे, ग्लू कितनी बार निकल जाता है। फेविकॉल हम लोग बहुत अच्छे से लगा रहे हैं और ग्लू से वहां बहुत थिक थिक आ जाता है। जब हम ग्लू लगाते हैं ना, एक रबर टाइप निकलता है तो बहुत थिक हो जाता है, तो बैग अनइवन दिखता है। इसलिए हम लोगों को यहाँ फेविकॉल अच्छी क्वांटिटी में यूज करना है, कम नहीं लेना है। फेविकॉल को जब हम प्रेस करेंगे वो एकदम पतला हो जाता है, और ग्लू लेंगे तो उसकी फिनिशिंग नहीं दिखती है, इसलिए यहाँ हम लोग फेविकॉल यूज कर रहे हैं। एक्चुअली फेविकॉल की स्टिक पावर ज्यादा अच्छी होती है, कितनी बार खुल जाता है वेट रखने के बाद। आप मार्केट में सामान लेने जाएंगे, पता चला आपका सामान आधा नीचे निकल गया। ये देखिए हम लोगों ने इस तरह से वो स्टिक कर दिया। ये हम लोगों का बैग रेडी हो गया। अभी इसमें हम लोग हैंडल्स अपने, जैसे मेरे पास कुछ ऐसे फैंसी लेस है, हम लोग ऐसी तरह से फैंसी लेस भी यूज कर सकते हैं। आप लोग हैंडल्स को भले ग्लू से स्टिक कर लीजिए। क्योंकि थिक है ना लेस, अगर इसके नीचे ग्लू आती है तो ग्लू मोटी आएगी तो वो अनइवन नहीं दिखेगा, मगर जब कपड़ा पतला रहता है ग्लू लगाते हैं तो ग्लू की लाइन अलग से दिखकर आती है। इस तरह से बैग बनाकर हम लोग गिफ्ट पैकिंग में यूज कर सकते हैं। मैम अगर किसी के पास अगर ब्राउन पेपर नहीं है और वो बिना ब्राउन पेपर का बनाना चाहे तो बन जाएगा ना? इजीली बन जाएगा, हम लोग कोई भी हैंडमेड शीट यूज कर सकते हैं। एक्चुअली न्यूज़पेपर लेते हैं ना, ब्राउन पेपर में एक पतली सी प्लास्टिक की कोटिंग आती है तो उसके कारण वो ड्यूरेबल रहता है, तो न्यूज़पेपर के बजाय फिर हम लोग उसमें हैंडमेड शीट यूज कर सकते हैं। ये वाटर प्रूफ होता है, ब्राउन पेपर में पतली प्लास्टिक के कारण हम लोगों को जैसे कुछ सामान अगर रखा है अंदर तो जल्दी से गीला होने के चांसेस कम रहते हैं। प्लस आप लोग जो भी साड़ी लिया है, मटेरियल जो यूज कर रहे हैं, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो अकॉर्डिंग टू वो मटेरियल हम लोगों को बेस यूज करना पड़ेगा। ये देखिए ये हम लोगों का बैग रेडी हो गया। इसी तरह से दूसरी साइड भी हम हैंडल लगा देंगे इसी में। मैम हम बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं? बटर पेपर ले सकते हैं बट वो इतना ड्यूरेबल नहीं होता है। कैनवास यूज कर सकते हैं, कैनवास आता है ना, कैनवास यूज करेंगे तो वो हार्ड भी रहेगा और ड्यूरेबल भी रहेगा। इतना अच्छा हम बैग बना रहे हैं तो हम लोग चाहेंगे कि कम से कम 5-6 बार तो उस बैग को यूज करें, यूज एंड थ्रो नहीं होना चाहिए वो। तो बेस अगर स्ट्रांग लेंगे तो बैग ज्यादा चलेगा, इसलिए हम चाहेंगे बैग आप कैनवास यूज करेंगे। पेपर कैनवास आता है एक तरह का, मैं आपको बताती हूँ पेपर कैनवास। ये देखिए ये हम लोगों का बैग रेडी हो गया। वेस्ट मटेरियल था पूरा हमारा, साड़ी जो फेंकने की थी उसी को हमने थोड़ा सा अच्छे से डेकोरेट करके बैग बना लिया है। इसी तरह के कुछ बैग मेरे पास ये बने हुए हैं, इसमें हम लोग हैंडल्स नाड़ी से भी बना सकते हैं। ये हमने क्या करा है इसमें, ये देखिए ये मैंने कैनवास यूज कर दिख रहा है आपको, इसमें मैंने पेपर की बजाय अंदर कैनवास लिया है क्योंकि चुंदड़ी जो मटेरियल रहता है बहुत ज्यादा नाजुक रहता है, यूज करने के बाद फट जाती है वो,
और जब वो फटी हुई हो जाती है तो फेंकने के बजाय हमने उसकी चुंदड़ी का बैग बना लिया है नीचे कैनवास यूज कर, और इसके हैंडल्स के लिए हमने इसमें छेद करके नाड़ी लगाई हुई है। कुछ बैग्स और बताती हूँ मैं। ये जैसे हम लोग प्लेन मटेरियल यूज कर रहे हैं इसमें, तो प्लेन मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा इस तरह से डेकोरेशन कर देंगे। ये डेकोरेशन करना मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई भी बच्चा मैम के साथ नहीं बना पाया है, उसके पास में कोई मटेरियल नहीं था, तो हमारी ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है, आप यूट्यूब पे जाके अस्मिति ये वीडियो देख सकते हैं, और हमारा जब वीडियो देखे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये हमने प्लेन चुंदड़ी सा बनाया हुआ है ना, दिखा है ना वही चीज। मैंने ये अंदर पेपर लेकर, ब्राउन पेपर लेकर प्लेन चुंदड़ी से बनाई है, पर मुझे ये सेटिस्फेक्शन नहीं है, थोड़ा सा डल लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे। डेकोरेट करने के लिए क्या करा मैंने, ये फेविकोल लिया, फेविकोल से इस पे कुछ डिजाइन बना दी हमने। आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं, कुछ भी मैसेज देना चाहे तो मैसेज भी दे सकते हैं, बैग पर कुछ मैसेज लिखना चाहे। कुछ मेहंदी की डिजाइन वगैरह इस तरह से हम डिजाइन भी डाल सकते हैं। ये देखिए है ना, फेविकॉल से दिख रहा है मैंने डिजाइन डाली है कुछ। हाँ जी, तो हम करेंगे हम फेविकॉल की डिजाइन पर। डस्ट आती है मार्केट में, ये इस तरह से सिल्वर डस्ट गोल्डन डस्ट आती है मार्केट में, हम लोग इस डस्ट को खोलकर पूरे पर डाल देंगे डस्ट इस तरह से। इससे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये सब चीज आप कार्ड्स वगैरह बनाने में भी काम आएगी आपको, अगर आप कार्ड्स पर कुछ लिखना चाहें सिल्वर से। सिल्वर जो 3D ट्यूब हम यूज करते हैं उसकी बजाय इससे करेंगे तो ज्यादा सुंदर लगता है। थोड़ा सा हम ऐसे हाथ से धीरे धीरे चारों तरफ फैला लेंगे, और कुछ भी पेपर न्यूज़पेपर अलग से लेकर उस पर ये डस्ट देंगे, एक्स्ट्रा डस्ट हमने झटकार दी। ये देखिए दिख रहा है वर्क आपको, हाँ जी है ना, ये पूरा हमारा सिल्वर वर्क हो गया। इसमें हम मल्टी कलर का करना चाहें साथ में कुछ गोल्डन तो वो भी कर सकते हैं, वापस से ट्यूब वर्क करेंगे इस पर। फेविकॉल से करने से थोड़ा सा थिक आता है, तो वो लाइंस भी हम लोगों की अच्छी मोटी मोटी होती है। गोल्डन डस्ट का पाउच नहीं दिख रहा है, मैं बाद में उसको करती हूँ, है ना। ये हम लोगों का एक बैग रेडी हो गया। अब मैं कुछ और दूसरे मटेरियल से आपको बैग बनाना बताती हूँ। ये इस तरह की जूट शीट आती है मार्केट में, इजीली मिल जाती है, जहां पर आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल मिलता है वहां पर इजीली आपको जूट शीट मिल जाएगी। हमने क्या करा, जूट शीट लेकर दो राउंड पीस काटे हैं इस तरह से, राउंड पीस काट लिया, ठीक है। राउंड पीस काटने के बाद दो चूड़ियां ली हमने,
इस तरह की रिंग हम लोगों को इजीली मिल जाती है मार्केट में, इस तरह की दो रिंग्स ली हैंडल्स बनाने के लिए। थोड़ा सा जूट मटेरियल लेंगे, इसके करीब हम लोगों को 1.5 इंच लंबी स्ट्रिप्स काटनी है, 1.5 इंच 1.5 चौड़ाई में और लंबाई में हमको 3 इंच लेना है। इधर हमने चौड़ाई 1.5 ली, लंबाई 3 इंच लेंगे हम लोग। इस तरह की दो हमने स्ट्रिप्स ली, ठीक है। अब ये जो बैंगल्स हमने ली हैं रिंग्स, इसके अंदर हम लोग इसको ऐसा डालेंगे, ग्लूगन से इसको स्टिक कर लेंगे। यहाँ हम ग्लूगन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मटेरियल थिक है, जब हम यहाँ पे ग्लू यूज करेंगे तो वो दिख के नहीं आएगा, पतले मटेरियल पे ग्लू एकदम दिखता है। पहले ये जो हमने यहाँ पर लगाया है इसको इस तरह से स्टिक कर लिया, फिर इसके बाद यहाँ का सेंटर निकाल कर बैक का ये हम यहाँ पर स्टिक कर देंगे। चाहे तो हम साथ में एक बार स्टेपलर से पिन अप भी कर सकते हैं, इसको स्टेपल भी कर सकते हैं। ये इस तरह से कर दिया, सेम इस साइड भी हम यही कर देंगे। ये हैंडल लिया, इसमें ग्लू लगाया, और दूसरे वाले राउंड पे भी हमने ये स्टिक कर दिया। इस तरह से हमने स्टिक कर दिया। अब हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से कॉर्नर वाली लेस मिलती है, इजीली मिल जाती है कॉर्नर वाली गोटा, इसको किरण भी बोलते हैं, बीजा भी बोलते हैं, मार्केट में इजीली मिल जाती है। जरूरी नहीं है हमको यही लेना है, डिपेंड्स करता है हम पर, हमारी चॉइस पर, है ना। मैंने ये लेस ली और इस राउंड के चारों तरफ हमने ये लेस लगा दी, बाहर की साइड लगा रही हूं मैं, है ना। मैम आप म्यूटेड हो। हम लोग चारों तरफ राउंड में ये लेस लगा देंगे। आप लोग जो ग्रुप में है शायद आपने देखा भी होगा, मैंने कुछ पोस्ट भी करे थे सुबह, इस तरह के बैग, ये इस तरह से हम बैग पे चारों तरफ लेस लगाते जाएंगे। करीब 3 राउंड हमको लगाने हैं। ये 1 राउंड कंप्लीट हो गया, इसी के पास जाते हुए हम अंदर से भी ये लगाते जाएंगे, थोड़ा सा अंदर की साइड। मैम जो आपने सर्कल लिया है उसका कोई साइज भी है? नहीं, ये एक्चुअली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है ना साइज। कोई भी हम प्लेट लेंगे, प्लेट रखकर उससे सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई साइज नहीं है, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आपको कितना बड़ा छोटा बनाना है। जी मैंने ये करीब 12 इंच लंबाई चौड़ाई लेके बनाया हुआ है। हम लोग कोई भी राउंड प्लेट लेके उससे ड्रॉ कर सकते हैं शेप। थोड़ा सा दबाते जाएंगे ग्लू, अच्छा गरम गरम पे थोड़ा थोड़ा ही लगाना, ठंडा हो जाएगा तो वो अच्छे से स्टिक नहीं होगा। अभी मौसम ठंड का है तो ठंडा भी बहुत जल्दी होता है ग्लू। ये 2 राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी तरह से एक को राउंड ले लेंगे। बस हमको ऐसे राउंड राउंड स्टिक करते जाना है पूरी लेस को।
हम चाहें तो इस पर मशीन भी लगा सकते हैं। बड़े लोग जितने भी हैं जो देख रहे हैं वो लोग मशीन से भी कर सकते हैं, सिलाई मशीन लग जाती है इसलिए इस पे इजीली, इस मटेरियल पर इजीली मशीन चल जाती है, तो हम स्टिक करने की बजाय सिलाई भी लगा सकते हैं इस पर। ये हमारा थर्ड राउंड भी इधर कंप्लीट हो गया है। यस भूमि, जो ये आपने दो बैग सिखाए थे वो मैंने दोनों बना दिए, थर्ड बैग के लिए मेरे पास मटेरियल नहीं है। बेटा आप इस पे भी न्यूज पेपर भी या कोई भी हार्ड शीट यूज कर सकते हैं, हैंडमेड शीट यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको यही मटेरियल यूज करना है। आप कोई भी मोटा वाला शीट या शादी के जो कार्ड्स होते हैं ना उसकी कटिंग भी कर सकते हैं, उसकी राउंड कटिंग करिए, राउंडर लेकर राउंड ड्रॉ करके और फिर कटिंग कर लीजिए उसके। और कोई लेस नहीं हो तो हम लोग कागज की फ्रिल भी बना सकते हैं, न्यूज़पेपर को हम फोल्ड कर देंगे, जैसे ये मोटी शीट है हमारे पास, हम इसको फोल्ड करके भी फ्रिल बना के यूज कर सकते हैं। करीब 1 इंच हम लोग शीट काट ली है ना, इस तरह से शीट काट लेंगे और इसको ऐसे सल दे लेंगे पहले हम लोग, ऐसे पूरे में सल देकर, और फिर इसको जहां पर भी हमको स्टिक करना है इसको हम स्टिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमको जो मटेरियल बताया गया है वो ही यूज करना है, पैटर्न वो लेना है, मटेरियल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब ये मेरा कंप्लीट हो गया, हम चाहे तो कंप्लीट इसको कवर कर सकते हैं लेस से, बट मैं 3 ही लाइन ले रही हूँ इसमें। अब जो मैंने 2 काटे हुए हैं इनको आपस में ग्लू से स्टिक कर दूंगी, ऊपर से करीब हमको यहाँ से यहाँ तक 3 इंच छोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक 3 इंच छोड़ना है, टोटल इतना हमको खाली छोड़ना है, बाकी एरिया हम स्टिक कर देंगे। ग्लू ठंडी हो गई है, बताती हूँ आपको। वीडियो पॉज है, अभी कैनवास मटेरियल यूज करा है उसको और हार्ड करने के लिए, और पूरा सिलाई मशीन से स्टिच करके यहाँ पर भी लास्ट में मशीन लगा दी है, इस तरह की लेस लगाकर। पॉम्पॉम की लेस मिल जाती है या पॉम्पॉम अलग से भी मिल जाते हैं, हम लोग उसको कॉर्नर पे यूज कर देंगे। साथ में कुछ डोरी के साथ हमने इस तरह से पपेट लटका दिए हैं इस पर। किसी को कुछ पूछना चाहेंगे इसमें कुछ? आया सभी को समझ में कि आया ही नहीं समझ में? बहुत ही ब्यूटीफुल है ये तो, बहुत सुंदर, सारे बच्चे बनाएंगे। ये स्पेशली सभी बड़ों लोगों के लिए है, जितनी भी मम्मियां यहाँ बैठी हुई हैं, मैं चाहूंगी वो एक बार जरूर ट्राई करें। इसी तरह से ये देखिए मैंने एक रेक्टेंगुलर पीस लिया हुआ है, इसमें इसका पीस एक बार मैं बताती हूँ किस तरह से लिया है। ये मेरी ग्लू भी गर्म हो गई है, इधर मैं एक बार ये स्टिक कर देती हूँ कंप्लीट।
ये देखिए, ये मैंने स्टिक कर दिया है, ये बैग रेडी हो गया है हमारा। अब यहाँ पर हम लोग है ना स्टेपलर से पिनअप कर देंगे चारों तरफ, तो इजीली मतलब काफी ड्यूरेबल हो जाता है, बैग को खुलने की डर नहीं रहती है उससे। आप लोग बड़े वाला स्टेपलर जो रहता है ना उससे पिन लगाकर फिर उसके ऊपर हम कोई भी फ्लावर वगैरह स्टिक कर सकते हैं। और यहाँ सेंटर में हम लोग कुछ भी डॉल वगैरह स्टिक कर देंगे, जैसे मेरे पास ये दो पपेट्स बने हुए हैं, ये ऐसे पपेट्स हैं, तो मैं इन पपेट्स को सेंटर में स्टिक कर दूंगी। ये हम लोग दिवाली पर सबको गिफ्ट्स देते हैं ना, तो हमारी हैंडमेड गिफ्ट्स सबको देंगे तो सब लोग मुझे लगता है ज्यादा खुश होंगे। अगली दिवाली के लिए सभी लोग बना के रखिएगा ये। बिल्कुल मैम बिल्कुल, बहुत ही मैंने बहुत सुंदर इसको थोड़ा सा और फैंसी बनाने के लिए इसको चारों तरफ इसमें बैक साइड जब हम करेंगे ना तो डायरेक्ट ये वाली लेस नहीं लेना है हमको, हमको एक बार ये पॉम्पम वाली लेस लगा देंगे। चारों तरफ नहीं लगाना है, सिर्फ हम लोगों को ऊपर से करीब दोनों साइड जहां से खुला छोड़ा है उतने एरिए में हमको लेस नहीं लगानी है। ये पॉम्पम वाली सिर्फ नीचे नीचे जिससे फूंदे लटके बस उतने में ही लगानी है। ये देखिए पहले मैंने लेस लगा दी पॉम्पम वाली, अब इसके ऊपर मैं वही डोरी चुपका दूंगी फिर से। बैक साइड चाहे तो हम सिंगल लाइन भी दे सकते हैं, तीन लाइन बनाना जरूरी नहीं है। ये बैक हमारा रेडी हो गया और ये फ्रंट हो गया हमारा। आया बच्चों समझ में आपको? इसका मेथड बताऊं इसको कैसे करना है, इसका भी एक बार समझाती हूँ मैं। इसके लिए भी मैंने हमको जितना चौड़ा चाहिए बैग वो ले लेंगे चौड़ाई के हिसाब से। ये जिससे मैंने जितना पन्ना है उतना पन्ना लिया, तो करीब 12 इंच चौड़ाई ले ली इसकी है ना, पूरा पन्ना इतना ही पन्ना आता है इस मटेरियल में। इसको ऐसे हमको डबल करके यूज करना है, तो एक हैंडल मैंने यहाँ लगाया, एक हैंडल यहाँ, दोनों पोर्शन पे एक एक हैंडल लगा दिया। हैंडल लगाने का तरीका मैंने आपको अभी बताया था, प्लस लेसिंग ऐसे करना है हमको करीब 3 इंच दोनों साइड से छोड़ेंगे, चारों साइड से सॉरी, और कंटिन्यू 4 बार हमको लेस लगानी है। ये जो लेस है ना ये मैंने कंटिन्यू ऐसे रेगुलर 4 बार लगाई है इस पे। 4 बार लगाने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया यहां से और यहां से स्टिक कर दिया, फिर दोनों साइड लेस लगा के इस तरह से लेस लगा के उसको पूरा पैक कर दिया। तो ये इस तरह से हम लोगों का एक और फैंसी बैग रेडी हो गया है।
यही चीज हम लोग हैंडमेड शीट पे भी कर सकते हैं। हैंडमेड शीट पे हम लोग कॉर्नर पे जरूरी नहीं है लेस लगाए, अंदर की साइड फोल्ड करके भी यूज कर सकते हैं। और कुछ ये सब मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं मटेरियल के। ये जो हम लोगों की डिजाइंस रहती है साड़ी पर, मैंने उस पर फेविकॉल से आउटलाइन लेकर डस्ट डाल दी गई है इसमें, तो उससे थोड़ा सा मटेरियल हम लोगों का रिच लगता है, कोई हैवी मटेरियल हमने यूज करा है, ऐसा जरदोजी वर्क टाइप वो लुक देता है। ये देखिए, ये जैसे हम लोगों के पास कितनी बार भगवान के पर्दे वगैरह वेस्ट पड़े रहते हैं घर में, खूब हैवी वर्क के रहते हैं मगर यूज नहीं आते, तो उसे भी हम यूज कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट देने के लिए जूट बैग, ये बहुत सिंपल है, इसके लिए सिंपल सा स्क्वायर शीट ली है हमने। ये तो शायद आप देखकर भी समझ गए होंगे किस तरह से बनाया हुआ है। ये लंबी शीट ली, इसको हमने डबल फोल्ड किया। डबल फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ से थोड़े से कॉर्नर फोल्ड करेंगे, इतना आधा आधा इंच करीब दोनों फोल्ड करें और उस कॉर्नर्स को हम कट कर देंगे। ये दोनों तरफ से कॉर्नर्स ऐसे हमने कट कर दिए, अब जो कट करा है ना उसको फोल्ड करेंगे। ये इस तरह से फोल्ड करा इधर, ये इस तरह से इधर दोनों साइड फोल्ड करा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको इस तरह से खोलेंगे, ये अंदर वाले को इस तरह से फोल्ड करा, अंदर वाले पे ग्लू लगाया, जो बच्चा है उसको हम फिर बैक साइड स्टिक कर देंगे। इस साइड सेम इधर भी करा, एक को अंदर की साइड स्टिक करना है। ये बाहर साइड यूज करी थी, स्टिक कर दिया। अब इसको मैंने क्या करा, इस तरह से डबल फोल्ड करा और यहाँ पर एक इंच का करीब डेढ़ डेढ़ इंच का कट दे दिया, इसको ऐसे राउंड शेप दे दिया। साथ में वापस से इसको फोल्ड करके थोड़ा सा दबाया मैंने, यहां से यहाँ करीब 4 इंच लेके मैंने इसको अंदर की साइड 2 इंच का कट देंगे। और फिर राउंड शेप दे दिए। ये मेरा हैंडल इसी में रेडी हो गया। पसंद आया ना, इसमें हम लोगों को अलग से हैंडल लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा इसी में हैंडल बन जाता है। कुछ पूछना है आप लोगों को, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है क्या, कोई कुछ पूछना चाहता है या सबको समझ आया? मुझे लग रहा है आज का सेशन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। आ गया ठीक है, आप लोग अब हम बनाकर बताएंगे ना।
ये देखिए एक मैंने ऐसा ट्रायंगल भी बनाया हुआ है, ये बच्चों की चॉइस का छोटा सा बैग। अब ये आप लोगों को मुझे बनाकर बताना है, मैं मेथड नहीं बताऊंगी इसका कैसे बनाया है। और जो सबसे पहले ग्रुप में डालेगा उसको सरप्राइज गिफ्ट है। ओके बच्चों, सभी बच्चे रेडी है ना? मैम ने बोला है सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा न्यू ईयर। हाँ, न्यू ईयर गिफ्ट मिलने वाला है, जो मुझे ये वाला बैग पोस्ट करेगा सबसे पहले। ओके बच्चों, रेडी हो आप सब? मैं एक बार फोटो डालती हूँ ग्रुप में वापस से इसका। शायद डाल दिया है ना हमने ये वाला फोटो? शायद मैम डाल चुके हैं, मैंने चेक नहीं किया। हाँ, मैंने मॉर्निंग में डाला था, शायद चेतना दीने ने डाला था। तो ये आप लोगों के लिए एक गिफ्ट मिलने वाला है, जो भी ये मुझे फर्स्ट बैग बना के बताएगा। सारे बच्चे रेडी है ना? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है मेरे ख्याल से। अनुष्का ने डन किया है, अनुष्का रेडी है। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। सरप्राइज गिफ्ट है जो फर्स्ट सबसे पहले पोस्ट करेगा उनके लिए। बच्चों, आप जो भी आज हमसे जुड़ा हुआ है वो सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर लें प्लीज। सारे बच्चे, बच्चे बड़े जो भी है, सभी लोग अपनी वीडियो ऑन करें प्लीज। वेरी गुड अनुष्का, भूवी, सुधा मैम, सभी को एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। अश्मिति एकेडमी की तरफ से सब लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्होंने कुछ बनाया है शायद से, बताना चाह रहे क्या अपना बैग? बताइए बेटा कैसे बनाया है आपने? बिजी है उसको शायद अब। वेरी गुड, बहुत सुंदर। वेरी गुड, अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, फिर कुछ नया लेकर मिलते हैं हम लोग। तो सभी लोग ना न्यू ईयर पे कुछ नया करेंगे, कोई भी पॉलिथिन का बैग यूज नहीं करेगा। सभी लोग अपने घर में जो मैम ने बैग बनाना सिखाया है सभी लोग बनाएंगे, और बना के अपना फोटो जरूर सेंड करें हमारे ग्रुप पे, जिससे हमें भी पता लगे कि न्यू ईयर पे कुछ नया भी हो रहा है या नहीं। जी बिल्कुल। और बच्चों लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, कल शाम ठीक 5 बजे स्वयं मंथन का आयोजन किया जाएगा, जिसके जिसके स्पीकर होंगी डॉक्टर ललिता गौर, और जिनका टॉपिक होगा अभिवादन में अभिवादन के विभिन्न तरीकों और मूल्यों का आधार योग। तो आप जुड़ना ना भूलें, आप जरूर जुड़े। नए साल की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू अर्चना मैम। आपसे नेक्स्ट केटीके में। थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुधा जी।